नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं गायत्री। दोस्तों, देश में इन दिनों चुनाव चल रहे हैं, पक्ष विपक्ष में बयानबाजी चालू है। बात बेरोजगारी महंगाई के मुद्दों से होते हुए अब मंगलसूत्र तक आ गई है। पीएम मोदी के मंगलसूत्र को लेकर दिए बयान के बाद कांग्रेस हमलावर है। वहीं प्रियंका गांधी ने भी मोर्चा संभालते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार किया है। प्रियंका ने कहा कि उनकी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। बेंगलुरु में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि देश की आजादी के बाद से 55 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन तब किसी ने किसी का सोना और मंगलसूत्र तो नहीं छीना। पिछले दो दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। मंगलसूत्र कोविड के दौरान छीने थे, माफी मांगी प्रधानमंत्री ने देश की बहुओं से, बेटियों से, बहनों से। ये जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भाषा गैर संवैधानिक है। हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं, हमारे मैनिफेस्टो में कहीं हिंदू मुस्लिम का जिक्र हो तो या तो हम राजनीति छोड़ देंगे, और अगर जिक्र नहीं हो तो ये राजनीति छोड़ दें। चुनौती है, बिना पढ़े बोलना अच्छी बात नहीं है। 3 दिन 2 राज्य और 3 रैली, लेकिन मुद्दा एक, मंगलसूत्र। पीएम मोदी ने दूसरे चरण के चुनाव से पहले जो चुनावी प्रहार शुरू किया है वो तमाम एतराज के बावजूद जारी है। पीएम मोदी पिछले 2-3 दिनों से कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के हवाले से आरोप लगा रहे हैं। पीएम मोदी कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखे गए वादों के मायने अपनी रैलियों में बता रहे हैं। रेस पार्टी देशवासियों की संपत्ति छीनकर घुसपैठियों को बांटना चाहती है। पीएम मोदी बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस की नजर हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र से लेकर घरेलू बचत के पैसों तक हो सकती है। पीएम के इन आरोपों से बौखलाई कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग में और सीपीएम दिल्ली पुलिस में शिकायत दे देकर परेशान है, और वो कह रहे हैं कि देश में झूठ की सियासत हो रही है। लेकिन पीएम मोदी के हमले रुक नहीं रहे हैं। पहले बांसवाड़ा, फिर अलीगढ़ में मंगलसूत्र वाला बयान देने के बाद पीएम मोदी ने फिर से राजस्थान के टोंक में मंगलसूत्र को खतरे वाली बात कही, और अब तो पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में ये भी कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी के लोग सिर फोड़ना चाहते हैं, लेकिन माताओं बहनों का आशीर्वाद उनका रक्षा कवच है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी, ये कहते हैं। ये मैनिफेस्टो उनका कह रहा है। भाइयों बहनों, आप सोचिए, हमारी माताओं बहनों के पास सोना होता है, ये सोना अवसरों पर सिर्फ शरीर पर पहन करके प्रभाव पैदा करने के लिए नहीं होता है। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों ना हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। गरीब सेवा के मोदी के इन प्रयासों पर
या कांग्रेस वाले क्या कहते हैं, या कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी का सिर फोड़ देंगे। अरे जब तक मेरे देश की माताएं बहनें बैठी है ना, कोई मोदी को कुछ नहीं कर सकता, ये माताएं बहनें मेरा रक्षा कवच है। दरअसल पीएम मोदी की ओर से इंडिया गठबंधन के दलों और खासकर कांग्रेस के खिलाफ मंगलसूत्र वाले अटैक के पीछे महिला वोटों की एक राजनीति भी है। आंकड़े बताते हैं कि देश में महिला वोटर्स की पहली पसंद में कमल का फूल तेजी से अपनी पैठ बनाता जा रहा है, क्योंकि 2014 के चुनाव में वोट देने वाली 26 करोड़ महिलाओं में 29% ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि 2019 के चुनाव में 29 करोड़ महिला मतदाताओं में से 36% ने बीजेपी को वोट दिया। इस बार चुनाव में 97% रजिस्टर्ड वोटर्स है, जिनमें से 47.1 करोड़ महिला मतदाता है, जो संख्या काफी अच्छी खासी है। ऐसे में एक बहुत बड़ी संभावना है कि इन्हीं महिला वोटर्स के वोट को अपने पाले में करने के लिए ही बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के बहाने मंगलसूत्र वाली सियासत की शुरुआत की है। चलिए इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए जरूर देखते रहे श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।